एंड आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल फॉर दिस दानिश ट्रस्ट बिकॉज उनकी वजह से इतने स्टूडेंट्स का बेनिफिट हो रहा है जिसकी वजह से उन एजुकेशन परस्यू कर रही. सो आई एम रियली ग्रेटफुल. अल्लाह आपको सबको जजाए खैर दे जो इतना एक्सप्लोर कर रही सब बच्चों को. तो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू थैंक ऑल ऑफ यू. थैंक यू. मिस मोहम्मद तंजीम. आई एम स्टडिंग BAMS इन गवर्नमेंट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज. दानिश स्कॉलरशिप आई गॉट टू नो फ्रॉम माई वन ऑफ माई कॉलिग्स. आई अप्लाइड 1 month अगो. 4 days back I got a call. They invite us in their program. Program was very good. I got to know their visions. They work towards the community. So I'm glad they are in negatively people. There are some people who are helping needy people like us. So it's good. Inshallah I will become doctor and also do the same and emulate their actions and give back to their society. जो दानिश के स्कॉलरशिप के बारे में मेरा एक दोस्त के वजह से मुझे पता चला तो मैंने अप्लाई किया तो मुझे 30,000 की स्कॉलरशिप मिली है जिसके ज़रिए मैं कॉलेज का जो भी फीस होगा मेरा खर्च होगा साल का वो पूरा इसका इंतज़ाम हो चुका है. जो बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ दानिश स्कॉलरशिप पर. जो 35,000 रुपीज़ मिल को है एंड ये स्कॉलरशिप मिलने की वजह से मुझे बहुत हेल्प होती है मेरे एजुकेशन में. एंड ऑल्सो दैट अब ये स्कॉलरशिप मिलने की वजह से एक बूस्ट मिला कॉन्फिडेंस में. लाइक हमें भी पढ़ना अच्छा करना, हमें भी पढ़ लिखो बड़े हो को लाइक दूसरे को सपोर्ट करना. लाइक जे सब ज़िया अल्लाह शरीफ खान पढ़ लिखो, उन्हें कंपनी बना को, ये सब दूसरे मुस्लिम्स को हेल्प कर रही हूँ, उनकी कम्युनिटी को हेल्प कर रही. वैसे हमें भी बड़े हो को लाइक हमें भी अच्छे डॉक्टर्स बन को, हमें ऐसा हमारे सामने जो जनरेशन आने वाली है नीडी जनरेशन से उनको हमें सपोर्ट करना. लाइक एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को एक सपोर्ट लेना, ये सब एक मॉरल सिखाई जा रही है हमें. बहरहाल दानिश की भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उनके तरह दानिश उनके ज़रिए से हमने स्कॉलरशिप का अमाउंट मिले. जिस जजाकल्ला. मेरा नाम सादिक है, मैं CSE स्टूडेंट UEC का. मैं यहाँ मुझे 25,000 स्कॉलरशिप आ रहा है. अच्छा है, बताइए कि मैं सोच मुझे थोड़ा पैसे की कमी था इसलिए मेरा स्कॉलरशिप से बहुत यूज़फुल हो रहा है. दैनिक जैसे स्कॉलरशिप अभी बढ़ना चाहिए इंडिया में और कर्नाटक स्टेट में. अब अल्लाह की शुक्र है कि मुझे भी स्कॉलरशिप सेलेक्ट हो गया. मेरा नाम सूफिया कारीगर है और मैं बेलगाम से हूँ. मैं बैंगलोर मेडिकल कॉलेज में MBBS कर रही हूँ, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट. एंड मुझे एक्चुअली स्कॉलरशिप के बारे में मेरे सीनियर से पता चला. उन्होंने मेरे साथ लिंक वगैरह शेयर किया तो आई अप्लाइड फॉर द स्कॉलरशिप एंड नाउ आई एम ग्रेटफुल फॉर बीइंग सिलेक्टेड. एंड मैं दानिश एजुकेशनल ट्रस्ट का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी स्कॉलरशिप के लिए. इससे बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड होगी और उससे भी ज़्यादा यहाँ पे आने के बाद जो डिग्नेटरीज ने हमें बाकी वर्ड्स ऑफ विजडम से ब्लेस किया उसके लिए भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी. जो हमें समझाया कि कैसे हमें हमेशा अल्लाह का शुक्र करना चाहिए और ख़ुद पर भरोसा रखना चाहिए. एंड मैं बाकी स्टूडेंट्स से भी यही कहना चाहूँगी कि अगर आप खुद मेहनत करने के लिए तैयार हो तो अल्लाह किसी भी तरह आपको जरिया कहीं से भी आपके लिए मदद प्रोवाइड कर देगा. हर साल की तरह हम लोग यहाँ पे आते हैं और दानिश स्कॉलरशिप करके आप लोगों से मिलते हैं, बच्चों से मिलते हैं और उनको स्कॉलरशिप तकसीम करते हैं. मुझे इससे बहुत खुशी लगती है. ये शुरुआत जो हुई ये हमारे बज़म से हुई. जब वहाँ पर हम लड़कियों को स्कॉलरशिप देते तो थोड़े लड़के आए हमारे पास तो वो बोले मैडम आप सिर्फ लड़कियों को दे रहे हैं, वाई डोंट यू थिंक अबाउट अस ऑल्सो करके बोले. तो मैं बोली अच्छा एक काम करेंगे, बज़म में तो वी टेक फ्रॉम PUC टू डिग्री एंड मेडिकल. मैं बोली तब आई डिवाइडेड पूरा वहाँ रख दाल को मेडिकल इंजीनियरिंग ऑल दैट. आई मेड दानिश ट्रस्ट सेपरेटली एंड टुक ऑल दिस स्टूडेंट्स इन दैट ट्रस्ट. माशाल्लाह करीब बज़म तो माशाल्लाह 30 years पहले जो सादत में सफ़ा चला रहे थे तब उन्होंने मुझे घर पे आके उनसे परमिशन लेके इनवाइट किया. एंड शी वॉज द प्रेसिडेंट, शी वॉज द सेक्रेटरी, शी मेड बी द प्रेसिडेंट दैट टाइम फ्रॉम मोर देन आई थिंक 35-37 years. आराम से बढ़ते गई अल्लाह के फजल करम से, उसके शुक्र से बच्चे बहुत आते गए. तो माशाल्लाह इवन इन बज़म वी डू अ लॉट ऑफ चैरिटीज एंड ऑल दैट. तो नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह यहाँ भी मैं 2 crore देने का इरादा की हूँ, अल्लाह कबूल करे. वो फोकस करके पढ़े और अपना मन दिल सब लगा के पढ़े बिना डिस्ट्रैक्ट किए हुए और एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखे. आज के ज़माने में बहुत नेगेटिविटी है हर जगह, लेकिन एक पॉजिटिव माइंडसेट रखे और अल्लाह पे भरोसा रखे.
अपना पूरा तवक्कुल अल्लाह में डाल के अच्छा पढ़े और रिज़ल्ट इंशाल्लाह अच्छा आएगा और हायर एजुकेशन भी परस्यू करे। सिर्फ डिग्री आजकल बस नहीं है, तो अच्छा पढ़े और अच्छा, और जब वो एक अच्छी स्टेटस पे आ गए तब गिव बैक टू द सोसाइटी एंड योर फैमिली। नेवर फॉरगेट हाउ मच योर पेरेंट्स सपोर्टेड यू। कंटिन्यू टू लव योर पेरेंट्स एंड सपोर्ट देम व्हेन यू आर केपेबल टू डू सो इंशाल्लाह। और सबको ऑल द बेस्ट, अच्छा पढ़े अच्छा करे। किसी और से उम्मीद मत कीजिए, सिर्फ अल्लाह की जात से कीजिए। एक अल्लाह को पकड़ लीजिए बस, सारी दुनिया की जरूरत नहीं है। दोस्त होते हैं खफा हमसे तो हो जाने दो, खून होता है जिगर गम से तो हो जाने दो। एक वो राजी है अगर हमसे तो कोई खौफ नहीं, जंग होती है एक आलम से तो हो जाने दो। सिर्फ अल्लाह की जात को एक पकड़ लीजिए, जो भी ज़रूरत है आपकी, अल्लाह जो है शाहरक से भी ज़्यादा करीब है। नहनु अखरबू मिन हबली वरीद, मैं शाहरक से भी ज़्यादा करीब हूँ। इससे ज़्यादा करीब कोई नहीं हो सकता, कोई रिश्ता दुनिया का नहीं हो सकता सिवाय अल्लाह के रिश्ते के। अल्लाह चाहता है कि जो भी मैं इसे मांगेगा मैं देने तैयार हूँ। वो एक कदम मेरी राह में आया तो मैं 10 कदम आगे बढ़ के उसे रिसीव करता हूँ। इतना इतना मेहरबान है अल्लाह, सिर्फ मुसलमानों से नहीं हर कौम से। चलकर इंशाल्लाह जिस तरह शरीफ फैमिली खिदमत अंजाम दे रही है, वो भी अपने ज़रिए जो है अपने से जो है लाखों बच्चों को पढ़ाएं, और हम उम्मीद करते हैं। और इस मरतबा हमें खुशी है कि अच्छे खासे एप्लीकेशन लड़कों के आके हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा समाजी मसला है कि हमारे पास काबिल लड़के नहीं हैं, जिसकी वजह से जो है बहुत सारे चैलेंजेस हैं। तो मैं इस प्रोग्राम के बाद तमाम वालिदैन से कहना चाहता हूँ, प्लीज़ जितना आप अपने बच्चियों को पढ़ाने की फ़िक्र करते हैं, अपने बच्चों को भी पढ़ाएं। आज मुस्लिम कम्युनिटी के लड़कों की कमी होने की वजह से जो काबिल हैं, मतलब जो अच्छे पढ़े लिखे हैं, लायक हैं, समझदार हैं, हमारे बहुत सारे मसाले हैं। तो मैं गुजारिश करता हूं कि अपने बच्चों को काम पे मत डालो किसी भी हालत में, अपने लड़कों को खासकर। लड़कियां तो माशाल्लाह पढ़ लेती हैं, लड़कों को बचाओ, फितनों से बचाओ, ड्रग्स से बचाओ, जो सोशल मीडिया का एडिक्शन है उससे बचाओ, और इंशाल्लाह कौम में आज ऐसे काफ़ी सालों से दानिश एजुकेशन ट्रस्ट प्रोफेशनल कोर्सेस के लिए स्कॉलरशिप दे रहा है। इस साल भी पिछले सालों की तरह स्कॉलरशिप दी गई है। 1,60,00,000 की रकम 624 प्रोफेशनल्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, लॉ, जर्नलिज्म, फिर पैरामेडिकल कोर्सेज, ये सारे कोर्सेज के लिए दी गई है। और इंशाल्लाह आंटी ने अनाउंस किया है कि अगली साल इसको बढ़ा के 2 करोड़ रुपए करेंगे। स्कॉलरशिप का एडवर्टाइजमेंट होता है, लोग स्टूडेंट कम्युनिटी में ये जाता है, सालार और दूसरे जो मीडियम है उनमें भी हम लोग एडवर्टाइज़ करते हैं, और स्टूडेंट कम्युनिटी तक ये बात पहुंच जाती है। व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी ये फैलाया जाता है और स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। और अमीन मुदस्सर और दानिश के जो लोग हैं वो सबर ऐसा नहीं होता कि सब होने के बाद अब क्या करें, माँ ऐसा हो गया हमारे साथ, अब क्या भी नहीं कर सकते, सिर्फ सबर करना, वो सबर नहीं है। सबर फिर से आता है जब कुछ प्रॉब्लम आता है हमारे साथ, तो तब ही तुम बोलना कि यू नो अल्लाह मैं सबर करती हूँ, ये आपकी तरफ से है। ये एटीट्यूड अगर लिए तो 100% अल्लाह आपको हेल्प करेंगे, राइट। मैंने मम्मी को याद है कि ड्रेसिंग टेबल के ऊपर एक बड़ा मोटो लिख चुकी थी, विच वॉज सक्सेस इज 1% इंस्पिरेशन, 99% परस्पिरेशन। यू अंडरस्टूड नो, दिस यूज टू कीप मी ड्राइविंग। सक्सेस इज ओनली 1% हमारा माइंड, हमारी थिंकिंग, हमारी ड्रीम, बट